और दोस्तों कैसे आप, मेरा नाम है अरुण प्रभु से ट्रैक एंड टेक के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा कि भाई हम YouTube वीडियोस बैकग्राउंड में कैसे खेलें, जब स्क्रीन बंद होगा तो मैं कैसे प्ले कर सकता हूं YouTube वीडियोस। इस वीडियो में मैं आपको दो अल्टरनेटिव मेथड्स बताने वाला हूं, दो मेथड्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप यूट्यूब वीडियोस आराम से प्ले कर पाएंगे बैकग्राउंड में, और साथ में एक और एक मेथड बताऊंगा जिसकी वजह से आप दूसरा काम भी कर पाएंगे और वीडियो भी साथ में देख पाएंगे। ये वीडियो आप एंड तक देखिए। दोस्तों हमारे वीडियोस मिलने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो के हमारे फीचर्ड कमेंटर है स्वराज भोईते। दोस्तों हमें सभी को प्रॉब्लम आते हैं कि हमें कंटिन्यूअसली एक प्लेलिस्ट सुननी होती है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन स्क्रीन चालू रखनी पड़ती है जिसकी वजह से बैटरी डाउन हो जाती है। लेकिन अब ऐसे करने की जरूरत नहीं, अगर आपको कोई म्यूजिक सुनना है यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं, स्क्रीन बंद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले दोस्तों आप डाउनलोड कीजिए ब्राउजर, अगर नहीं होगा तो या तो क्रोम या तो फायरफॉक्स, दोनों में से कौन सा भी ब्राउजर चलेगा, उसमें आप यूट्यूब वीडियो का जो लिंक होगा वो पेस्ट कीजिए या फिर youtube.com पे जाइए, सर्च कीजिए आपको जो भी वीडियो चाहिए और आप प्ले कीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आपने अब बंद कर दिया आपका स्क्रीन तो वो चलेगा नहीं, आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। दोस्तों आपने क्या करना चाहिए, सेटिंग्स में जाइए, ये जो तीन डॉट्स दिखते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप साइट क्लियरली आपको दिखेगा तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये देखिए डेस्कटॉप साइट एंड चेक मार्क है, बस उतना कीजिए। और अगर आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको इमीडिएटली मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप मेरी न्यूज़ देख रहे हैं, तो अगर आपने आप बंद कर दिया तो बंद हो जाएगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, जस्ट ओपन कीजिए और प्ले कीजिए। ये देखिए स्क्रीन बंद है दोस्तों और फिर भी चल रहा है, देख रहे हैं आप पॉज कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं। इतना सिंपल सा मेथड है, सिर्फ डेस्कटॉप सेटिंग जाइए ब्राउजर पे, ये क्रोम पे ही नहीं आप फायरफॉक्स पे भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आप देखते हैं दूसरा मेथड, मतलब आप है यूट्यूब ऐप के अंदर तो आपको सिर्फ कॉपी करनी है लिंक, वो मैं दिखाता हूं कैसे करना है, और फिर ब्राउजर पे जाइए और फिर से प्ले कीजिए। तो दोस्तों ये है यूट्यूब का ऐप, मैंने ये खोला हुआ है, आपको क्या करना है आप सिर्फ शेयर के ऊपर जाइए, कॉपी टू क्लिपबोर्ड कीजिए। ये देखिए फिर से दिखाता हूं दोस्तों, शेयर में जाइए और आपको कॉपी लिंक आएगा, वो कॉपी कर दीजिए और उसके बाद में फिर से आप ब्राउजर पे चले जाइए, पेस्ट कर दीजिए, जो वो वाला यूट्यूब वीडियो था वो प्ले होना चालू हो जाएगा। अब मैंने ये बंद कर दिया है, बंद हो जाएगा लेकिन आप चालू कर सकते हैं सिर्फ ये प्ले करके। और दोस्तों ये दोनों में भी पॉसिबल है, फायरफॉक्स में भी कर सकते हैं आप और क्रोम पर भी कर सकते हैं, क्रोम पे मैंने दिखाया है सेम वैसे ही आप फायरफॉक्स के ऊपर भी कर सकेंगे। चलिए दोस्तों अब दिखाता हूं दूसरा मेथड ऐप के साथ, इसकी वजह से आप क्या कर सकेंगे, वीडियो भी प्ले कर सकेंगे और साथ में अगर दूसरा कोई काम है तो वो भी कर सकेंगे। आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और डाउनलोड करना है फ्लोटिंग ट्यूब, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, ये ओपन कीजिए। जी हाँ आपको जो वीडियो प्ले करना है वो कीजिए, मैं दूसरा कोई नहीं ट्रैक एंड टेक का ही देखता हूँ, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए इसीलिए। तो ये देखिए ये जो विंडो है आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये देखिए मेरे को चाहिए उतना छोटा बड़ा मैं कर सकता हूँ, अभी तो मिनिमाइज हो गया है और प्ले कर सकता हूँ। ये देखिए आप जरा हमें बताइए 400 500 हजार रुपए के नीचे वाले 500। तो मैंने स्क्रीन बंद कर दी है, स्क्रीन मैंने बंद कर दी है और फिर भी अभी भी वीडियो चल रहा है। ऐसा कोई भी वीडियो, म्यूजिक वीडियो हो या फिर प्लेलिस्ट हो, आप प्ले कर सकेंगे। और फ्लोटिंग ट्यूब का एक फायदा है क्योंकि इसका जो विंडो है, ये देखिए ये जो विंडो है ये आप किधर भी प्लेस कर सकते हैं और आपके जो बाकी के काम है वो आप कर सकेंगे, जो भी आपको करना है ब्राउज करना है या और कुछ करना है तो आप आराम से कर सकेंगे और वीडियो भी साथ में देख सकेंगे, कुछ पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकेंगे। ये देखिए आराम से, एज सिंपल एज दैट, इधर वीडियो भी चल रहा है
और आप इधर पढ़ भी रहे हैं, जो भी आपको पढ़ना है वो आप देख रहे हैं। इतना सिंपल है। ऐप का नाम फ्लोटिंग ट्यूब है, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों यही था एक क्विक वीडियो आपको मदद करने के लिए, जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं उनके लिए है। कोई लोगों को पता होगा ये ट्रिक, कोई लोगों को नहीं, लेकिन हमने जो वीडियो बनाया है बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा और इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। जरूर अगर कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछेगा, हैशटैग आस्क अरुण डालना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।